बिना कपड़ों के इस रेस्टोरेंट के अंदर लोग आखिर खाना क्यों खाते हैं, और इंडिया की एक ऐसी बैंक जिसने फुकट के अंदर लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर कर उन्हें क्यों आखिर मालामाल कर दिया, मस्जिद नबवी के अंदर एक साथ में कितने लोग नमाज को अदा कर सकते हैं, और संडे को छुट्टी आखिर क्यों होती है, तो जानने के लिए बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 7, इंडिया के HDFC बैंक की चेन्नई के अंदर एक बेस ब्रांच है। यहाँ पर 5000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट के अंदर फुकट के अंदर करोड़ों रुपए बैंक ने ट्रांसफर कर दिए। लोगों की तो चांदी हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। लोगों ने इस अमाउंट का बहुत सा फायदा उठाया, किसी ने दूसरे अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली उस पैसों को ट्रांसफर कर दिया है, या फिर कैश के फॉर्म में किसी ने उसको विड्रॉल करके अपने पास में सेव कर लिया। बैंक ने ये भी कहा है कि ये पूरे पैसे हमारी तरफ से गलती से भेजे गए हैं लोगों के अकाउंट के अंदर, हमने कहीं करोड़ों रुपए को रिकवर भी कर लिया है, पर अभी भी 126 करोड़ रुपए रिकवर करना पेंडिंग है। गलती तो सबसे होती है, पर बैंक से इतनी बड़ी पैसों की गलती हो जाए यार, तो हद है। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल को शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की निशानी के लिए बनाया था, और ताजमहल से भी ज्यादा शाहजहां ने कीमती चीज बनाई थी जिसका नाम था तख्त-ए-ताऊज। और ये तख्त-ए-ताऊज इतना महंगा था कि ताजमहल को बनाने के लिए जितना पैसों का खर्च आया था, तो उससे 4 गुना ज्यादा खर्च जो है तख्त-ए-ताऊज को बनाने के लिए शाहजहां ने पैसों को खर्च किया था। ये इसलिए महंगा था कि दुनिया के कीमती से कीमती हीरे जवाहरात मोतियों को इसके अंदर लगाया गया था, और कोहिनूर हीरा जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, उस हीरे को भी इस तख्त-ए-ताऊज के अंदर शाहजहां ने लगाया था। पर आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि शाहजहां ने जितनी जिंदगी अपनी जिया, तो पूरी जिंदगी भर तख्त-ए-ताऊज को बनाने के बाद भी इसके ऊपर कभी वो बैठ कर बादशाहत कर ही नहीं पाया। शाहजहां के मरने के बाद में उनके बेटे औरंगजेब ने इस तख्त-ए-ताऊज के ऊपर बैठकर हुक्मरानी की, और बाद में इस तख्त-ए-ताऊज को चुरा लिया गया। फैक्ट नंबर 5, रेस्टोरेंट तो बहुत सारे होते हैं, पर पेरिस के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर अगर आप खाना खाते हो तो आपको खाना खाने से पहले आपके पूरे कपड़े उतारना पड़ेंगे। आपके जिस्म के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं होना चाहिए। आपको टेबल के ऊपर बैठाया जाता है और आपको खाना दिया जाता है, आपके सामने खाने को परोसा जाता है। इस रेस्टोरेंट को इसलिए बनाया गया था कि दो भाई थे, माइक और स्टीफन, ये एक बीमा कंपनी में काम करते थे। रेस्टोरेंट खोलने से पहले इनका जो जॉब है बीमा कंपनी में कुछ सही से नहीं चल पा रहा था, तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा यूनिक करते हैं जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो जाए, और ये बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए। खाना खाने से पहले, आपको कपड़े उतारने से पहले आपका जो मोबाइल है वो आपको काउंटर के ऊपर जमा कराना होता है। कोई आपका फोटो खींच ना ले, आप किसी दूसरे का फोटो ना खींच ले, और आप या कोई दूसरा इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा बिना कपड़ों के वायरल ना हो जाए, इसीलिए आपका जो मोबाइल है आपको पहले ही काउंटर के ऊपर जमा कराना होता है। तो अगर आप इस रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, आजकल फ्रूट्स के ऊपर भी वैक्स कोट किया जाता है। जैसे कार या बाइक को कलर करने के बाद में उनपे कोटिंग चढ़ाई जाती है, तो वैसे ही आजकल फ्रूट्स के ऊपर भी एक केमिकल की कोटिंग की जाती है। इस केमिकल की कोटिंग करने के बाद में फ्रूट्स के ऊपर एक तरीके की शाइनिंग आ जाती है, एक तरीके की चमक आती है, और जो फ्रूट्स का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लगता है, और डार्क दिखने की वजह से, शाइनिंग आने की वजह से इसको कस्टमर देखते से ही खरीद लेता है। कस्टमर ये समझता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है और एकदम ताज़ा है। दरअसल वैक्स कोट इसलिए किया जाता है फ्रूट्स के ऊपर कि ताकि मार्केट के अंदर जल्द से जल्द फ्रूट्स को बेचा जा सके। ये वैक्स जो होता है फ्रूट्स के ऊपर पूरी की पूरी तरह से केमिकल बेस होता है। अगर आप इसको मार्केट से लाने के बाद में फ्रूट्स को बिना धोए खा लेते हो तो आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो खाने से पहले फ्रूट्स को अच्छी तरीके से धोए और फिर खाए। फैक्ट नंबर 3, एक शहद की मक्खी अगर आपको काट ले तो आपके तन बदन में अंगार हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर मैं आपसे ये कहूँ कि पूरा शहद का छत्ता ही आपके चेहरे के ऊपर आकर समा जाए, बैठ जाए, तो आपको कैसा फील होगा। एक आदमी है इंडिया के केरल के त्रिसम के अंदर, ये आदमी अपने चेहरे के ऊपर शहद की 60,000 से ज्यादा मक्खियों को बैठा कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करा लिया है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस आदमी के ऊपर अचानक से कहीं हजारों की तादाद में शहद की मक्खियां आकर छत्ता किस तरीके से बना लेती है। तो इन लोग क्या करते हैं कि रानी मक्खी जो होती है उसको एक प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर
बंद करके अपने सर के ऊपर उस प्लास्टिक के बॉक्स को बांध लेते हैं और देखते ही देखते इस आदमी के चेहरे के ऊपर हजारों की तादाद के अंदर शहद की मक्खियां आकर बैठ जाती है। और कमाल की बात तो ये है जनाब कि इस 60,000 से ज़्यादा तादाद की मक्खियों को बैठने के बाद इस आदमी के चेहरे के ऊपर एक मक्खी भी शहद की इस आदमी को काटती नहीं है। और 7 घंटे से ज़्यादा इसने रिकॉर्ड बनाया पूरी दुनिया के अंदर अपने चेहरे के ऊपर शहद की मक्खियों को बैठाकर, और वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम हो चुका है। फैक्ट नंबर 2, सऊदी अरब मस्जिद नबी वाकिया है, और इस मस्जिद नबी के अंदर कितने लोग नमाज को अदा कर सकते हैं एक साथ के अंदर, तो मस्जिद इतनी बड़ी है कि 18 लाख के आसपास में इस मस्जिद के अंदर एक साथ में लोग नमाज को अदा कर सकते हैं। और मस्जिद के अंदर आपने ये भी चीज़ पे गौर किया होगा कि मस्जिद के अंदर आपको कभी भी फर्श या कालीन के ऊपर कोई कचरा या फिर कागज़ का टुकड़ा भी दिखाई नहीं देगा। तो इसकी वजह यह है कि मस्जिद की साफ सफाई के लिए, खिदमत के लिए हमेशा रात और दिन 24 घंटे 6,000 से ज़्यादा वहाँ पर वर्कर काम करते हैं कि मस्जिद का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। फैक्ट नंबर 1, संडे को छुट्टी आखिर क्यों होती है? अंग्रेजों के जमाने के अंदर मिलों के अंदर जो मजदूर होते थे वो हफ्ते के 7 दिन कंटिन्यू काम करते थे और उनको एक भी दिन छुट्टी नहीं दी जाती थी, ताकि वो फैमिली के लिए या फिर समाज की सेवा या खिदमत के लिए कुछ टाइम निकाल पाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उस टाइम के अंदर मिलों के जो मजदूर थे उनके एक लीडर थे, उनके एक नेता थे जिनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्होंने अंग्रेजों से अपील की, रिक्वेस्ट की कि हमें हफ्ते के एक दिन, हमें हफ्ते के इतवार के दिन जो है वो छुट्टी दी जाए ताकि हम समाज की खिदमत के लिए कुछ टाइम को निकाल पाए। तो अंग्रेजों ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में 1881 के अंदर नारायण मेघाजी लोखंडे ने मोर्चे पे मोर्चे निकाले और तकरीबन 7 साल तक का मोर्चा चलता गया, और 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद में आखिर 1889 को अंग्रेज़ों ने ये अनाउंस किया कि आज से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इतवार के दिन, संडे के दिन छुट्टी रहेगी। तो तब से लेकर आज तक कर पूरे संडे के दिन पूरी दुनिया के अंदर छुट्टी मनाई जाती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए जनाब आपका तहे दिल से जजाकल्ला खैर।